हाय गाइस, मैं शांत हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल शान और फ्रीडम। आपको बताऊंगा परफेक्ट है मेरी 10 थीम फॉर अप्रैल 2019। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स जंप इन द वीडियो। अगर आप एक परफेक्ट थीम सर्च कर रहे हैं मेरी 10 के लिए, जो कि ये आपको परफेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको एनिमेटेड आइकन्स मिल जाएगा, न्यू टाइप का क्लॉक स्क्रीन है, टूल में आपको सभी आइकन्स एनिमेटेड मिलेगा, गूगल में आपको सभी आइकन एनिमेटेड मिलेगा। और अगर आप चलेंगे स्टेटस बार, तो स्टेटस बार पुराना ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन यूआई उसी कुछ थीम में आपको मिलता था, पर तब भी चल जाएगा। अगर आप उसका सेटिंग देखेगा तो सेटिंग का पूरा यूआई चेंज, जैसे कि आपका टॉगल्स हुआ, आइकन्स हुआ, बैकग्राउंड हुआ, और आपका सेपरेशन काफ़ी अच्छा सेपरेटली आपका रखा गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा क्लीन और मिनिमल थीम। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो अगर आप उसका देखिए सिस्टम अपडेट में, तो वो भी आपको सब स्ट्रीडम का लोगो डाल दिया गया है एमआई 10 का लोगो की जगह में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक दे दे रहा है और काफ़ी मुझे मतलब काफ़ी क्लीन और काफ़ी मिनिमल लगा यह थीम। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और ऑब्वियसली इसका अगर आप एडिशनल सेटिंग में सेपरेशन देखिए, तो काफ़ी अच्छा सेपरेट मतलब काफ़ी अच्छा सेपरेट किया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे ऑब्वियसली कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप देखिएगा डायलर, तो डायलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैसेजिंग भी काफ़ी क्लीन और काफ़ी मिनिमल है। अगर आपको कुछ ऐसा सिंपल और मिनिमल थीम चाहिए तो ये ट्राई कर सकते हैं। म्यूजिक ऐप भी आपको कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जो कि होता तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता, जो कि कलर थीम के साथ ये गया हुआ है। और अगर आप उसका सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, खाली आपका उसका टॉगल्स का आइकन वो आपका चेंज कर दिया गया। और अगर आप उसका देखिए गूगल का मतलब कुछ भी, और टूल्स में अगर आप देखिए मी कैलकुलेटर, तो आपका थीम के हिसाब से ब्लू और वाइट में बैकग्राउंड, जो कि मतलब पर्पल ब्लू टेंट ऐसे कुछ के साथ है। और अगर उसका बाकी कुछ आप देखिएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। जो भी चेंजेस है इसका आपका लॉक स्क्रीन बेस्ट चेंजेस है, जो कि शायद आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसी चक्कर में शायद आप क्लिक भी किए होंगे इस वीडियो को, तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा लॉक स्क्रीन मिल जा रहा है, मतलब जो कि लॉक स्क्रीन का स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। देखिए जैसे कि सेकेंड हुआ, थर्ड आपको काफ़ी, और इसका चार्जिंग एनिमेशन और इंटरेस्टिंग है, तो थर्ड हुआ, तो काफ़ी जितना भी है मुझे फोर्थ वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये आपको बताइए, जो कि मतलब सेकंड के हिसाब से क्लॉक रोटेट करता है। और ये आपका एमोलेड अगर आपका डिवाइस है, या रेडमी नोट 6, रेडमी नोट 5 प्रो, सभी में आपको सही दिखेगा। डबल टैप कीजिएगा तो मतलब स्वाइप लेफ्ट कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अगर आप स्वाइप नीचे डाउन में मतलब टैप कीजिएगा तो आपको म्यूजिक ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगा वाला थीम और इंटरेस्टिंग भी है। आपको कैसा लगा नीचे फिर से कमेंट करके बताइए। और अगर आप उसका देखिए चार्जिंग एनिमेशन, तो चार्जिंग एनिमेशन हर एक मतलब इसके साथ चेंज हो रहा है। देखिए जैसे कि ऐसा कुछ ब्लैक के साथ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप डेली इसको यूज़ कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसमें आपको होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन पूरा मिल रहा है। और अगर आप उसका देखिए बाकी कुछ, जैसे कि थर्ड सेकंड वाला में कुछ ऐसा एनिमेशन है नहीं, पर थर्ड और फोर्थ बाकी सब में एनिमेशन है, जो कि मुझे फोर्थ वाला बेस्ट लग रहा है मेरे लिए। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है चार्जिंग एनिमेशन, और सभी कुछ आप कमेंट करके बताइए। और इसमें आपको होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करने में मिल जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली अपना फॉन्ट अपने हिसाब से, विजिट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 6 विजिट है आपका, तो 6 अपने हिसाब से आप पूरा, और फॉन्ट आपको भी उसको भी 6 मिल जा रहा है, वो भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और नीचे आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि चाइना में, तो ऑब्वियसली आपको रीड नहीं कर पाइएगा और सभी कुछ आपको बता देगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, या थर्ड पार्टी थीम है तो सिंपली आपको सर्च करना है थीम स्वाप या माई थीमर। आप सिंपली दोनों ही टाइप कोई भी टाइप कर दिए आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको नीचे तो लिंक मिल ही जाएगा थीम स्वाप का, जिससे कि आप डायरेक्टली वन क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको उस लोगो में जाना, जहाँ आप मैट ऐप मतलब थीम का लोगो में टैप करना होगा, और फिर आपको ब्राउज करना होगा जहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे उस थीम को, यंग फॉर एवर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आप उसको ओके कर दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कर, आपको नहीं करना होगा क्योंकि आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मेरा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसी लिए मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपका ये मतलब अनपैकिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बड़ा थीम है। और जैसे ही आप अनपैकिंग हो जाएगा, आप पैक थीम एन अप्लाई कर दीजिए, पैक थीम एन अप्लाई कीजिएगा, तो आपका अप्लाई हो जाएगा, तो आपको MTZ यंग फॉर एवर का मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आपका थीम स्वैप भी मिल जाएगा। तो आपको सभी कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, डायरेक्टली आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और लास्ट एक और चीज़ कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जल्दी कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन टैप कीजिए ताकि हमेशा नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बाय।